काशीराम कॉलोनी में बिजली अधिकारियों की चेकिंग से मचा हड़कंप। अवैध कनेक्शन और कटिया पाए जाने पर होगी कार्यवाही। बिजली विभाग के अधिकारियों ने चेताया, कल लगाया जाएगा कॉलोनी में कैंप। मामला जनपद हमीरपुर की राठ स्थित काशीराम कॉलोनी का है, जहां पर आज बिजली अधिकारियों ने पुलिस के साथ पहुंचकर अवैध कनेक्शन और कटियों की जाँच की, जिससे कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों के कहने पर अधिकारियों ने सब कुछ चेताते हुए कल कैंप लगाकर बिजली समस्याओं को सुलझाने और अपना अपना बिल जमा करने के लिए कहा। अगर इसके बावजूद अवैध रूप से बिजली चोरी करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। आज बिजली अधिकारियों ने मुरादी पिटवाकर कॉलोनी में कल कैंप लगाने के लिए कहा। भाइयों, 10 बजे कैंप लगना है लाइट का, और जिसने कटिया डाली तो उसके साथ में कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली विभाग अधिकारी और अपना बिल सही करवाए और कल 10 बजे अपना बिल जमा करें। आज आप यहाँ पर काशीराम कॉलोनी में बिजली की जो चेकिंग करने आए, क्या इसमें कोई अवैध कनेक्शन पाया गया है या फिर कोई कटिया बटिया? अब यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, बकाए वालों के कनेक्शन काटे गए हैं, अभी चेकिंग की जा रही है, कटिया पाई जाएगी तो उसके FIR की जाएगी। अच्छा सर, जैसे कुछ अभी बताया साहब लोगों ने कि स्कीम भी चल रही है, अगर काशीराम कॉलोनी के लोग बिल की समस्या को लेकर अगर आपके पास जाते हैं तो कितनी मदद हो सकती है उनकी? उनका सरचार्ज पूरा अक्टूबर 2019 तक जो भी सरचार्ज है पूरा माफ़ हो जाएगा। जो बिल भी संशोधित करके पहले ही दिए जा चुके हैं 6 महीना पहले, तब भी उसके बाद जिन लोग जमा कर रहे हैं। सर कुछ समस्या है यहाँ पर, कुछ समय से 1-2 ट्रांसफार्मर खराब है जिसकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, वो क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? ट्रांसफार्मर तो कोई नहीं खराब है। सर 15 नंबर में एक ट्रांसफार्मर खराब है, इसकी जानकारी शायद आप बिल जमा कर देंगे तो भी बदला देंगे, सब हो जाएगा। बिल नहीं जमा करेंगे ट्रांसफार्मर फिर कहाँ से बदलेगा?